दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह, अलसाई सी नींदें, नींदों से जगना और नए दिन का वेलकम करने के लिए हम सभी रेडी हैं। और आज दिन है वेंसडे यानी बुधवार, डेट है 19 जुलाई 2023 और सुबह के 7 बज चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा गुप्ता और मैं लेकर आ चुकी हूं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। तो दोस्तों आज का दिन कितना खूबसूरत है, और हो भी क्यों ना, जब मैं लेकर आ चुकी हूं आपका हमारा हम सभी का पसंदीदा शो जिसे आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी पर, जो है नंबर 1 शो। तो इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार से भरा हुआ नमस्कार। दोस्तों जब हम अपने दिन का शुभारंभ करते हैं तो डेली मॉर्निंग रूटीन के बाद निकल पड़ते हैं अपने अपने रोजगार या फिर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की ओर रुख करते हैं। यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम घर से निकलते हैं और दिन भर की जोड़ गणित में व्यस्त हो जाते हैं, और फिर शाम को वापिस जब घर लौटते हैं तो एक बार की बैठ कर विचार जरूर करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, किसका व्यवहार हमारे साथ अच्छा था या फिर किसका व्यवहार खट्टा था। कि जिंदगी की सौदेबाजी को हम मन के तराजू में तौलते हैं और कई बार लोगों के व्यवहार को देखते हुए हम घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय हमें अनुभव देता है, समय चलता रहता है और हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। इन्हीं खट्टी मीठे अनुभवों से हम आगे जाने और कह सकते हैं कि सौदेबाजी सही तो होती है, पर कई बार ज्यादा सौदेबाजी खतरे का कारण भी बन जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। और दोस्तों मन को खुश करने के लिए गीत संगीत सुनना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आइए अब अपने बनारस के बारे में, काशी यानी कि काशी जो कि हमारी दुनिया की सबसे प्यारी नगरी है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसी क्रम में कल यानी 18 जुलाई 2023 को चौकाघाट राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, तो आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कुछ बातें। तो आइए जान लेते हैं कुछ बातें अपनी काशी के बारे में। तो इसी क्रम में कल यानी 18 जुलाई 2023 को राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौकाघाट वाराणसी में पुष्य नक्षत्र में 0 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। आइए इस विषय में डॉक्टर साहब से कुछ विशेष बातें सुनते हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। आज दिनांक 18 जुलाई 2023 को हमारे अस्पताल में पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम किया गया। ये जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए किया जाता है, इसमें स्वर्ण प्राशन की बूंदें जो है एक विशेष विधि के द्वारा हम लोग इसको आयुर्वेदिक तरीके से निर्माण करते हैं, और इनको पिलाने से बच्चे में शारीरिक उनका विकास, उनका मानसिक विकास, बल बुद्धि मेधा स्मृति में विकास होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इनसे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में उनका बढ़ोतरी होती है, जिससे वो तमाम तरह की बीमारियां जो कि समसामयिक होती रहती हैं बरसात के दिनों में चाहे किसी भी समय में, उससे उनको लड़ने में सहायता मिलती है, और इससे बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, और इससे जो है बच्चे अपनी ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे अच्छे से विकास करते हैं। और ये हम लोग अपने यहाँ दवाई जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पिलाते हैं, मतलब कि इसके लिए किसी भी मरीज को एक पैसा भी नहीं देना होता है, वो आके हम लोग मुफ्त में इसका करते हैं। ये
पिछले कई सालों से प्रोग्राम चलता आ रहा है और हर माह पुष्य नक्षत्र के दिन हम लोग इसको पिलाते हैं और अगली जो तिथि आएगी इसकी 14 अगस्त 2023 को होगी। उस दिन पुष्य नक्षत्र है का दिन है, उस दिन भी स्वर्ण प्राशन की बूंदें पिलाई जाएंगी। इसमें हम लोग 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों में को पिलाते हैं इसका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं आप सभी दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी हॉस्पिटल में जाएं और अपने बच्चों को इस प्रक्रिया का, जो डॉक्टर साहब की देख रेख में बच्चों को लाभ पाने के लिए, आप अवश्य जाएं और अपने बच्चों को ये लाभ अवश्य दिलवाएं। और आइए अब जान लेते हैं 19 जुलाई को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में। 1827 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। 1899 में आज ही के दिन बालीचंद मुखोपाध्याय, जो कि भारतीय लेखक हैं, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। 1902 में समद्र रुला राघवाचार्य, भारतीय लेखक, उनका जन्म हुआ था। और 1909 में बालमणि अम्मा, मलयालम में कविताएं लिखते थे, इनका जन्म हुआ था। 1938 में जयंत विष्णु नरलिकर, भारतीय वैज्ञानिक, का जन्म हुआ था। और आइए अब जान लेते हैं 19 जुलाई को दुनिया को अलविदा कहने वाले लोगों के बारे में। 1966 में हंस राम सिंह रावत ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। और 19 जुलाई 1968 को प्रताप सिंह राव गायकवाड़, जो कि गायकवाड़ मराठा डायनेस्टी के आखिरी बड़ौदा महाराज थे, इन्होंने 1949 में अपने दादा की इच्छा पूर्ति हेतु महाराजा सयाजी राव बड़ौदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। दोस्तों, सावन का महीना आ चुका है और चारों तरफ हरियाली छा चुकी है, तो आइए जानते हैं कुछ बातें सावन से जुड़ी हुई। दोस्तों, सावन वो महीना है जिसमें शिव भक्त भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। सावन में पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि सावन में किए गए पूजा व्रत से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन मास को पवित्र क्यों माना जाता है, तो आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन मास में ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें हलाहल विष भी निकला था। ये ऐसा विष था जिससे पूरी सृष्टि का सर्वनाश निश्चित था। इसलिए संसार के उत्थान के लिए भगवान शिव ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। और यही वजह है कि पूरे सावन मास में शिव भक्त अपने बाबा को निरंतर जल अर्पित करते रहते हैं। और इस वर्ष तो सावन का महीना और भी अधिक सुंदर संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस बार अधिक मास का संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 19 साल बाद बन रहा है। इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मल मास 3 साल के बाद बनने वाली तिथियों के योग से बनता है, जिसे अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत कल से अर्थात 28 जुलाई 2023 से हो चुकी है। और आइए अब जानते हैं, मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार 18 जुलाई को काशी के मूर्धन्य विद्वानों के समक्ष, और आइए अब जान लेते हैं अपनी काशी में कल यानी 18 जुलाई को होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार 18 जुलाई को काशी के मूर्धन्य विद्वानों के समक्ष देश के विभिन्न प्रांतों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने
न्याय, व्याकरण, मीमांसा एवं वेदांत के गूढ़ विषयों पर अपने शास्त्रार्थ कौशल का प्रदर्शन किया। प्रत्येक मास होने वाली शास्त्रार्थ सभा का आरंभ मंगलाचरण एवं मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। नगर निगम वाराणसी कार्यालय में नगर आयुक्त शिपू गिरी ने जज सुनवाई किया, जिसमें नगर की स्वच्छता, वाटर लॉगिंग के साथ कई समस्याएं नगर आयुक्त से लोगों ने बातचीत के दौरान की। जन समस्याओं के समाधान के लिए नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। गंगा में वाटर टैक्सी चलाए जाने को लेकर जहां एक तरफ नाविक समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विरोध को समाप्त करवाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम के अधिकारी जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वाटर टैक्सी का विरोध करने वाले नाविकों के साथ वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक तिवारी ने नगर निगम कार्यालय में बैठक की। काशी के खुजवा शंकुलधारा पोखरा पर कष्टहरिया, जिसे कटहरिया मेला के नाम से भी जाना जाता है, इस मेला का आयोजन किया गया। मेला के उपलक्ष्य में प्राचीन श्री द्वारिकाधीश मंदिर पर हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारिकाधीश को कटहल के भोग लगाने के साथ ही कटहरिया मेला शुरू हो गया। तो ये थी कुछ बातें अपनी काशी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, इन्हीं प्यारी प्यारी और मधुर वाणी को लेकर एक बार हम फिर आएंगे आपसे मिलने आपकी वाणी आकाशवाणी पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में, इसी दिन इसी समय। टिल देन बी सेफ एंड स्टे सेफ। बाय बाय बनारस। आज का ये कार्यक्रम आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त सुषमा गुप्ता के साथ। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वीकार कीजिए एक बार फिर हमारा प्यार भरा नमस्कार।